कारतूस भरना तो भूल ही गई। खेल रही है स्वरूप, पछताएगी। अरे पछताने की तो आदत पड़ गई है जगन बाबू। और रही बात आग की, तो किसी ने खूब कहा है कि इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जा। अगर आग के दरिया से तैर कर निकले तो जरूर मिलेंगे। बाऊजी, वैसे तो मैंने ऊपर से भी देख लिया है, पर काम कल से शुरू हो पाएगा। वैसे भी बादल गरज रहे और बारिश में ये छत का काम करना बहुत मुश्किल होता है। जी चलता हूँ बाबूजी, नमस्ते। क्या हुआ, तू ऐसे क्यों देख रही है मुझे? किसने कुछ कहा? किसी ने कुछ कहा नहीं, उसी बात का तो दुख है। जो तू ढूंढ रहा है ना, वो मेरे पास है। इसे ढूंढ रहा था ना, इम्तिहान में अव्वल आया है। सरकार तुझे तेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार है, तू शहर जाकर पढ़ सकता है। तूने जरूरी नहीं समझा ये बात अपनी बहन को बताना, इसका मतलब समझता है तू? खुश नसीब है तू, लड़का है पढ़ सकता है। यहाँ तो लड़कियों को 8वीं कक्षा के ऊपर पढ़ने भी नहीं देते, यही पढ़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सब जरूरी नहीं है। मुझे स्कॉलरशिप नहीं चाहिए। ताकि तुझे मुझे छोड़ के ना जाना पड़े, मेरे चक्कर में अपनी पढ़ाई छोड़ रहा है, और तुझे लगता है कि मैं चैन से जी पाऊंगी? आज जब देखती हूँ तो मेरी नन्ही सी सिमरन, जो मेरी उंगली थामे चला करती थी, आज रसोई में मेरे साथ खड़ी मेरा हाथ पटाती नजर आती है। गुंजन, उसकी और उसकी नींद की दोस्ती और गहरी हो गई है। मेरी देवरानी रावी सुखी के बाद एक बार फिर उम्मीद से है। जगन मेरा देवर, उसके गुस्से में उसके मूंछ के बाल बराबर भी फर्क नहीं आया है, आज भी सिर्फ लड़ने को आमादा रहता है। मेरी सास दीना, जिनके लिए मनु पोते से ज्यादा इस घर का वारिस और पवनियों का शाह है। मनु कसरत कर रहे हैं जी। और ये मेरा भाई भीरू, 7 सालों में ये भी नहीं बदला, आज भी अपनी बहन के साथ ढाल बनकर कायम, और उसकी मदद से आज भी वो झूठ कायम है जो मैंने 7 साल पहले बोला था, एक बेटी को बेटा बनाकर मन्नू इस घर का वारिस। मम्मी, पैसा। मन्नू, कितनी बार समझाना पड़ेगा तुझे कि जब तक मैं या भीरू मामा साथ ना हूं तब तक तू घर से बाहर नहीं निकलेगा, और अगर तुझे मम्मी की बात नहीं माननी है ना तो बता दे, फिर मैं भी तुझसे प्यार करना छोड़ दूंगी। ओ भरजाई, इतनी पाबंदियों से तो बकरी के मेमड़े पलते हैं, और शेर तो खुला घूमता है, खुला आजादी से। चाचा, मैं भी शेर हूं।
है ना मम्मी? और आज मैं आपके साथ बाहर जाऊंगा और पेड़ पर चढ़ूंगा। पापा ने जहाँ पे कड़ा बांधा था उससे भी ऊपर। अच्छा चल काके, आज मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, जरा देखूं तेरी माँ ने क्या सिखाया तुझे। ओए, ये वाला खराब है, तू मत का। लेकिन वीर जी, खट्टी कैरियां तो लड़कियां खाती हैं, मर्द नहीं है मम्मी? वैसे कमाल कर दिया आज मास्टर ने, शाबाश। हाँ लेकिन अपने पापा के कड़े तक तो नहीं पहुंच पाया ना। दीदी चरण जीजाजी 12 साल के थे जब उन्होंने ऊपर कड़ा बांधा, पर अपना मनु 7 साल का है, कभी तो तारीफ कर लिया अगर उसकी। हाँ तो कोई तीर नहीं मारा, अगर इसे सबसे आगे रहना है तो जो बाकी 12 और 15 साल में करते हैं ना काम, वो इसे अभी करने पड़ेगा। और तुझे पता है कि उसके लिए ये सब करना जरूरी है। मैं तो हुई खराब। सिमरन दीदी और गुंदन दीदी को सोने देते हो, सुखी वीरजी भी सोते ही रहते हैं, मुझको उठा दे तो सवेरे सवेरे कसरत करने के लिए। सब लोग स्कूल जाते हैं, मस्ती करते हैं, खेलते हैं, मुझको घर के अंदर ही क्यों रखते हो? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आए दिन वो बाजवा वाले हमारे ट्रक गायब करते हैं, और कोई क्यों नहीं पूछता उस हरजीत से कि क्यों हमारा ट्रक गायब कर रहा है? तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे साबित हो सके कि हरजीत बाजवा ने ही तुम्हारे ट्रक चोरी की है? तो उसको सबके सामने पेश करो। मैं बता रहा हूँ पंचायत को, अगर ये मामला सुलझाया नहीं ना तो फिर। गगन पवनिया, पहली बात यह कि तुम्हारे लोगों की कमान अब अंबा पवनिया के हाथ में है, इसलिए अंबा पवनिया के हस्ताक्षर करके पंचायत के पास शिकायत के लिए तुम उसको जमा करवा। ये बात तुम्हें पंचायत पहले भी कई दफा समझा चुकी है, फिर आए दिन तुम आकर पंचायत का कीमती वक्त क्यों बर्बाद करते हो? मम्मी मैं यहाँ जनानियों के साथ क्यों बैठा हूँ? मैं लड़का हूँ, मुझे बाहर खेलने जाने तो ना। अंबा बच्चा है, जाने देना खेलने। नहीं बेबे, मनु बाहर नहीं जा सकता। मम्मी मैं जाऊं खेलने? ओए हाँ, मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले, तू जा जा खेलने जा, लेकिन ये भी लेके जा खेले, ये ना खेलते खेलते खा लियो। ध्यान से। वैसे बेबे मनु के मामले में ना परजाई आपकी भी नहीं सुनती। हाँ ओ, उसकी फिकर जायज है, शाह बनने वाला है उसका बेटा, अपने बच्चे की फिक्र तो करेगी ना। बेबे मैंने भी बच्चे जने, मैंने तो किसी माँ को ऐसे बच्चे के पीछे पागल होते हुए नहीं देखा। लेकिन मम्मी मुझको जनानियों के साथ नहीं बैठना। चल मैं तुझे बाहर लेकर जाती हूँ, तू एक काम कर, वहाँ खिड़की से ना अपनी गुलेल से निशाना लगा और देख तेरा निशाना तो नहीं कमजोर हो गया। मुझे माफ कर दे मनु, तेरा सच छुपाने के लिए मुझे ऐसा सख्त कदम उठाना पड़ेगा। मुझे तो पास में लोगों ने कैद कर रखा था कि इस बच्चे ने मेरी जान बचा ली।